नाम बदलना, चाहे वो जगह का हो, स्टेशन का हो, किसी शहर का हो, इन दिनों हम देखते हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग घोषणाएं करते हैं, लेकिन क्या हो? आप सोचिए जरा कि जिस भवन का उद्घाटन होना हो और उसी दिन उस भवन का नाम बदल दिया जाए, तो आप सोचेंगे कि इतना बड़ा निर्णय लिया गया तो कैसे लिया गया, और वो भी जिनके नाम पर इस भवन का उद्घाटन होना था, उनके महत्व को कहा जाए तो नजरअंदाज करके इस तरीके से नाम बदलना। दरअसल ये हुआ खंडवा में। खंडवा में पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया संस्कृति विभाग की तरफ से बनाए गए रविंद्र भवन का, रविन्द्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन किया, जो 19.5 करोड़ की लागत से बना हुआ है। मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, मंच पर उन्होंने किशोर कुमार का गीत भी गुनगुनाया, और चूंकि खंडवा किशोर कुमार की जन्मस्थली रही है और किशोर कुमार की जन्मस्थली पर उन्होंने ये कहा कि अब इस भवन का नाम बदलकर किशोर कुमार के नाम पर किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले मंत्री विजय शाह जो है उन्होंने भी मांग की थी कि किशोर कुमार के नाम पर इस भवन का नाम रख देना चाहिए। सुनिए मुख्यमंत्री। ओ राही ओ राही ओ राही, साथी न कारवा, ये तेरा इन कहा है। अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जब भी कोरोना से परेशान कोई और दिक्कत और परेशानी आ जाए तो मैं कई बार गुनगुनाने लगता हूं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अद्भुत थे किशोरदा, और वो कहते थे खंडवा जाएंगे दूध जलेबी खाएंगे। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। तू ही खंडवा के बारे में विस्तार से तुम्हें बोलना है अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में। लेकिन उषा दीदी, इस भवन का नाम किशोरदा के नाम पर ही रखा जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मध्य प्रदेश के सारे हमारे निर्धन भाई और बहन, देखिए आजादी 75 मना, ये टंटिया मामा की भी भूमि है, और हमने यह स्मारक बनाया, टंटिया मामा की जन्मभूमि पर मनाया जाएगा, उसको विराट स्वरूप हम देंगे, और उनके नाम पर जो तो स्मारक है उसको भी विराट स्वरूप। तो मुख्यमंत्री ने मन से गाना भी गाया और बता भी दिया कि अब इस भवन का नाम किशोर कुमार के नाम पर होगा। निसंदेह किशोर कुमार जो है मध्य प्रदेश की पहचान रहे हैं, जिन्होंने देश के फलक पर मध्य प्रदेश के नाम को पहुंचाया, और करोड़ों जो है संगीत प्रेमियों के लिए किशोर कुमार जो है वो हमेशा यादगार रहेंगे, उनके योगदान को कभी नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन चूंकि जिनके नाम पर भवन का उद्घाटन होना था वो था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर, तो क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम को भुलाकर उसी भवन का नाम किशोर कुमार कर देना सही है? क्योंकि सवाल उठने लगे, क्या बीजेपी के लिए इस तरीके की स्थिति, पश्चिम बंगाल के चुनाव हो जाने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनका एक जो कद है या जो महत्व है देश के लोगों के बीच में, तो उस नाम के अतिरिक्त किशोर कुमार का नाम तुरंत कर देना कितना सही ठहराया जा सकता है? इस तरह की चर्चाएं होने लगी खंडवा में। लेकिन अब चूंकि नाम बदल दिया गया किशोर कुमार पर, अब आप कहेंगे कि किशोर कुमार के नाम को रखने पर क्या गलत है? गलत नहीं है, लेकिन बात वही तुलनात्मक अगर व्यक्तित्व की आएगी, क्योंकि शहर के जो लोग चाहते हैं, अगर आप समझेंगे खंडवा के लोग, तो वो ये चाहते हैं कि पहले से ही शहर में एक बड़ा ऑडिटोरियम है जिसका नाम गौरी कुंज ऑडिटोरियम है, जो कि किशोर कुमार के माता पिता के नाम पर है, उद्घाटन स्वयं किशोर कुमार ने इसकी शुरुआत करवाई थी। लेकिन अब हुआ ये कि अब जो उनका पुश्तैनी मकान है, जिसके लिए मांग हो रही है कि इसका अधिग्रहण कर कर इसकी किस्मत बदले, जर्जर हो चुका है, उस पर उतनी प्राथमिकता से ध्यान दिया नहीं जा रहा, भवन का जरूर नाम बदलकर इस तरीके की बात की गई। खंडवा से आप तक की खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता जय नागड़ा ने, आप देखते रहिए एमपी तक।